नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रवीण, आपका दोस्त। ईडीएस की इस ट्रेनिंग पार्ट में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इस टाइटल प्रोजेक्ट में मैंने बहुत से पीएचडी का यूज़ किया है, कुछ ग्राफिक्स यूज़ किए हैं। इस सब का एक कॉम्बिनेशन बना के मैंने एक अच्छा सा प्रोजेक्ट देने का प्रयास किया है, आप देख सकते हैं। अभी आप जो टाइटल देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक डाउनलोड के लिए एक लिंक दी रखी है, आप उसे डाउनलोड करें और एंजॉय करें। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी एक लाइक ही हमारे लिए सब कुछ होती है। और सबसे ज़रूरी एक बात कहना चाहता हूं कि आप सबको ईद मुबारक हो। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका डेमो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको दबाएं और प्रोजेक्ट डाउनलोड करें। उसके बाद में आपको जहाँ पे वो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया है वहाँ पे जाना है, उस जिप फोल्डर पे राइट क्लिक करके उसे करना है एक्सट्रैक्ट हियर पे। उसके बाद में फोल्डर, यहाँ पे देखो एक फोल्डर तैयार हो रहा है, यहाँ पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट रेडी है। तो आइए चलते हैं उसी प्रोजेक्ट के साथ। तो आइए दोस्तों उसी प्रोजेक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं। हम डेस्कटॉप पे चलेंगे, यहाँ पे हमारा वो फोल्डर एक्सट्रैक्ट हो गया है, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेडी है हमारा प्रोजेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यहाँ पे जो ग्राफिक्स यूज़ किए हैं वो कुछ ग्राफिक्स वीडियो ग्राफिक्स है, कुछ पीएचडी फाइल्स है। उसके बाद में फ़ोटोज़ है, आप उस फोटो को रिप्लेस कर सकते हैं। फ़ोटो रिप्लेस के लिए आप मेरे पहले जो ट्यूटोरियल्स है उसको थोड़ा सा देख लें, आपको समझ में आएगा कि बहुत ही आसान है। उसके बाद में मैंने जो सॉन्ग्स यूज़ किए हैं वो है और कुछ साउंड्स है। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के साथ। मेन रेंडर नाम की एक सिक्वेंस है, उसके बाद में टाइटल एडिट करने के लिए एक सिक्वेंस दे रखी है। ठीक है, मेन रेंडर फाइल पे आके हम देख सकते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे है, लेकिन आपको कुछ टेक्स्ट एडिट करना है तो आपको टाइटल एडिट के सीक्वेंस पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये टाइटल्स है, ये कुछ ग्राफिक्स यूज़ किए हैं और यहाँ पे सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, सीक्वेंस 1, 2, सीक्वेंस 6, ये जो सब सीक्वेंस यहाँ पे देख सकते हैं आप। जैसे कि इस सीक्वेंस पे क्या है आप जानना चाहेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक करो, जो ग्राफिक्स यूज़ किए हैं वही है। चलते हैं हम टाइटल एडिट के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं है, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन आपको कपल का नाम है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप सिंपल से यहाँ पे डबल क्लिक करें, ये देख सकते हैं आप कि टाइटलर ओपन हो गया है। यहाँ पे जो भी आप नाम चेंज करना चाहते हैं वो नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि नदी में हिना, ये नाम हमने चेंज कर लिया है। उसको कंट्रोल शिफ्ट यस दबा के सेव करते हैं, वो सेव एज हो गया है। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। उसके बाद में आप जो टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं उस टाइटल के क्लिप पे डबल क्लिक करें और एडिट करें। सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जो भी टाइटल में आप चेंज करेंगे वो सब मेन रेंडर फाइल पे चेंजेस दिखाई देंगे। ये जो सीक्वेंस है ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टली नेस्टेड सीक्वेंस करके रखी है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके नाम चेंज हो गया है। फ़ोटो रिप्लेस करने के लिए आपको सिंपल से टाइटल एडिट के सीक्वेंस पे जाने का है। फ़ोटो चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। फ़ोटोशॉप में आप जो फ़ोटोज़ कट करके रखते हैं
उसी में से जो अच्छा फोटो लगता है आप उसे यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कोई भी चेंजेस करना है आपको तो टाइटल एडिट पे जाके ही करें। यहाँ पे मेन रेंडर के सीक्वेंस में आपको चेंजेस करने के लिए कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ये सिर्फ नेस्टेड सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लाके रखी है क्योंकि मैं जो ट्रांजेक्शन यूज़ करना चाहता हूँ वो तो उधर नहीं यूज कर सकता था, इसीलिए मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जूम इफेक्ट यूज करने के लिए मुझे एक अलग से सीक्वेंस बनानी पड़ी। हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट रेंडर हो गया है, प्ले करके देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स यूज किए हैं मैंने, इफेक्ट पैनल में जाके आपको यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद आप राइट क्लिक करके उस ट्रांजेक्शन को इंपोर्ट कर ले। मैंने उसी प्रोजेक्ट में कुछ ट्रांजेक्शन्स भी दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स मैंने यूज किए हैं वो यहाँ पे रेडी करके रखे हैं। आपको उसे चेंज करना है तो सिंपल सा डिलीट कर लें, जो यूज़ करना है उसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको मेरा प्रोजेक्ट कैसे लगा या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कुछ चेंजेस करना है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना है वो भी सजेस्ट करते चलो मुझे।